हाँ सर, अब बताओ थोड़ा सा अपने बारे में कि एग्जैक्टली अभी तुम क्या क्या कर रहे हो और अभी क्या आगे प्लान है तुम्हारा, क्या क्या फ्यूचर है, बताओ। जीआईएम के अंदर जॉब कर रहा हूँ, आर्किटेक्चर के अंदर। ओके मैंने पहले पहले 6 महीने स्ट्रक्चर डिटेलिंग में किया था, ड्राफ्टिंग में, ऑटोकैड पे। तो ओके उसके बाद मेरे को जॉब मिली आर्किटेक्चर कंपनी, 15,000 पे अभी कर रहा हूँ। ओके वन ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को। ड्राफ्टिंग में स्ट्रक्चरल ड्राफ्टिंग कर रहे हो कि आर्टिफिशियल ड्राफ्टिंग कर रहे हो? अभी आर्किटेक्चर 3 मंथ से मैं आर्किटेक्चर ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल ड्राफ्टिंग कर रहे हो। अभी तुम्हारा 1 साल लगभग होने को आया, राइट? हाँ तो डेफिनेटली तुम्हारा 15,000 सैलरी अभी तुम पा रहे हो। यस सर। ये कहाँ पर कंपनी बेस्ड है? ये है, एक आर्किटेक्ट है सर, उनके पास कर रहा हूँ। ओके 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 चलेगा। गुरुग्राम में हूँ अभी। गुड़गांव में ही कर रहे हो, राइट? तो हाँ गुड़गांव में तो तुम्हारे पास काफी ऑप्शन है। तो अभी क्या तुम्हारा क्या नेक्स्ट प्लान, क्या तुम्हारे थॉट में चल रहा है, किस चीज़ को लेकर तुम चाह रहे हो सर, ये सीक्वेंस बताइए। मैं सर स्ट्रक्चर में ही जाना चाहता हूँ, तो मैं डिटेलिंग के लिए या स्ट्रक्चर ड्राफ्टिंग के लिए देख रहा हूँ। तो मेरा मोटिव ये है कि मैं अभी से बीटेक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में भी आगे की तरफ क्या जाऊँ, स्टार्ट कर रहे हो? बीटेक। ओके अभी तुम्हारा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है? हाँ डिप्लोमा ओ कंप्लीट हो ओके 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 ओके। और बीटेक कब कंप्लीट होगा तुम्हारा? मेरा, 2015 2015, 15 नहीं, 25 25। 25। ओके ओके, मतलब अभी तुम्हारा सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है? D2D है सर, सेकेंड ईयर है। ओके सेकेंड ईयर है। तो क्या बोलते हैं, अभी देखो तुम्हारा मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए तुमको, डेफिनेटली तुम अभी तुम्हारा डिग्री तो होने वाला है, राइट? यस सर, लेकिन मैं इसके साथ तुमको, और तुम्हारा एपी फिक्स है कि तुमको स्ट्रक्चर्स में जाना भी है, तो मेरा कहना यस ये सर, रहेगा कि तुम अपना, क्योंकि देखो स्टेट प्रो तुमको कोई जॉब नहीं देगा अभी, स्टेट प्रो पे जब तक तुम डिग्री नहीं करते हो कोई जॉब नहीं देगा, फिक्स है, यस सर। ठीक है? तो बेटर क्या रहेगा तुम्हारे लिए, कि बेटर रहेगा कि तुम क्या बोलते हैं अपना ऑटोकैड में स्ट्रक्चर ऑटोकैड थोड़ा सा कंप्लीट करो, ठीक है? स्ट्रक्चर्स ऑटोकैड, ठीक है? और उसके बाद उसमें तुम जॉब स्टार्ट कर दो, ठीक? या फिर अगर तुमको ऐसा नहीं सर मैं थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं अपनी थोड़ी सी सैलरी बढ़ाना चाहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ नहीं, यस सर, ठीक है? तो अगर तुम सैलरी बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक एडवाइस रहेगा कि तुम रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर सीख लो। अब बोलोगे सर ये मेरे को तो स्ट्रक्चर में जाना है, करेक्ट है, लेकिन कैसे होता है कि अगर तुम ऑटोकैड, क्योंकि तुम्हारे पास 2025 तक का समय है ना, तो अगर तुमने रेविट सॉरी ऑटोकैड के ऊपर काम किया तो सैलरी बहुत लिमिटेड रहेगी, स्टैंड प्रो पे जॉब तुमको मिलेगी नहीं, ठीक है? तो अभी के लिए अगर तुम सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम देख रहे हो अपने आप को, तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारा बेस्ट एडवाइस ये रहेगा कि तुम ऑटोकैड और रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर्स, इन तीनों पे अच्छी पकड़ बना लो, ठीक है? तो तुम्हारी सैलरी जो होगी वो अच्छी खासी हो जाएगी, लगभग ये मैं तुम्हें अप्रॉक्स बता दूं कि 25 से 30 पर तुम पहुंच जाओगे अगर ये तीनों चीज़ अच्छा हो गया। ऑटोकैड आता ही है, ठीक है? रेविट चाहे तुमको स्टेट प्रो भी आता है, राइट? तो अभी मेरे अकॉर्डिंग तुम क्या करो कि तुम रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर सीख लो, अगर तुमको सैलरी हाइक चाहिए तो। थोड़ा साउंड आ रहा है? मैंने सर, हाँ यस सर, एक मिनट, पीसी के अंदर हूँ सर, इसीलिए आ रहे। ओके ओके, उसको ऑफ कर दो अगर पॉसिबल तो। वह सर एक चीज़ है कि मैंने आर्किटेक्चर, प्राइवेट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर सीखा हुआ है और टेक्ला स्ट्रक्चर भी मैंने कंप्लीट किया है। अरे तब तो बहुत अच्छा है, तुमने आप पोर्टफोलियो ही के बनाया साथ क्या? आप ही से किया हुआ है सर, ओके ग्रेट, तो पोर्टफोलियो बनाया क्या? पोर्टफोलियो बनाया था लेकिन वो वीक है, अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो उसकी वजह भूल से। गया होगा तब तो, अगर लैपटॉप नहीं था तो। नहीं, आता है सर, आता मैं है? रनिंग करता हूँ अभी, 2 महीने से मैंने लैपटॉप घर पे दिया सर। ओके तो मेरे अकॉर्डिंग क्या करो तब उसकी, अभी हम लोग एक ऐसे ही पॉडकास्ट पे डिस्कस ही कर रहे थे सेम पॉइंट को, कि एग्जैक्टली हम लोग के साथ मिस्टेक क्या होती है, कि तुमको टेकला आता है, तुमको रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर आता है, बट तुम्हारा पोर्टफोलियो नहीं, तो मैं कैसे जज कर लूँ कि तुम्हें कितना आता है? एक नॉर्मल बनाया हुआ है तो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ सर। बिल्कुल मुझे भेज दो, ठीक है? मैं भी कुछ जगहों पर जहाँ पर भी डिफरेंस रहेगा तुमको मैं बता दूंगा, ठीक है? दूसरी चीज़ तुम क्या करो कि पोर्टफोलियो को कोशिश करो कि थोड़ा टाइम लेके किसी दोस्त से लैपटॉप ले के अरेंज करके हाई क्लास का पोर्टफोलियो, अगर नहीं है तुम्हारे पास तो सिंपल अपने अपने जो ऐप है, ऐप में ना फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैंने 7-8 डाले हुए हैं, वहाँ से देख लो, या फिर मैं तुमको भेज भी दूंगा, ठीक है? उनमें से देखो कि एग्जैक्टली उनके पोर्टफोलियो का लेवल क्या है, उस लेवल का पोर्टफोलियो बनाओगे
उस पोर्टफोलियो के क्या करो कि पोर्टफोलियो बना के शेयर तो करना ही करना है, उसको क्या करो प्रिंट करवा लो कलर पेपर पे, ठीक है। और कलर पेपर पे प्रिंट कैसे होता है कि तुम इंटरव्यू को देने गए, फेस टू फेस में तुम्हारे सामने बैठा हो, तो उस समय पर आदमी चाहता है कि सामने क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, अगर कवर लेटर होता तो सॉरी अगर सामने तुम्हारा पोर्टफोलियो होता मैं फटाफट तुम्हें जज कर लेता कि एग्जैक्टली तुम्हारा क्वालिटी कितना है। Yes, sir. ठीक है, तुमने अगर रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर और टेक्ला सीखा है और ऑटोकैड सीखा है, बिलीव करो आज के टाइम में तुम बहुत कम सैलरी ले रहे हो, तुम राइट प्लेस पे नहीं पहुंच पाए हो फिर। यस सर, वो है मेरे, ठीक है, राइट प्लेस पे नहीं, राइट प्लेस पर नहीं हो। अब राइट प्लेस पर होने के लिए तुमको अगर चाहिए तो मैं ओपनिंग दे सकता हूँ, तुम वहाँ पर अप्लाई करो, ठीक है, और अपना सीवी थोड़ा सा एकदम हाई लेवल का, मैंने तुम्हारा सीवी देखा एकदम सिंपल और शोर, अच्छा सीवी है तुम्हारा, ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं उसके अंदर प्रॉपर थोड़ा सा रिप्रेजेंट करो, तुमने ना अपनी टेक्निकल स्किल्स को रिप्रेजेंट जस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको थोड़ा लिखो कि हमने टेक्ला सीखा तो टेक्ला हमको क्या आता है, स्टील और आरसीसी स्ट्रक्चर डिटेलिंग्स, राइट, हमको रैपिड आर्किटेक्चर में क्या आता है, 3D मॉडलिंग आती है, स्केप रेंडरिंग आती है, जो भी चीज़ें आपको आती है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, और एक्सप्लेन करने के बाद 110% ऐसा होगा कि तुम्हारा पोर्टफोलियो देखने के बाद मुझे, देखो मेरे साथ क्या है कि मैं कंपनी का ऑनर हूँ तो मुझे क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई इसको हायर कर रहा हूँ तो मेरा काम होगा कि नहीं होगा, राइट, यस सर, ठीक है, और मेरा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तुम्हारा काम देख के, और तुम्हारा काम मैं कैसे देखूंगा, पोर्टफोलियो से, ठीक है, तो अपने हर एक जहां पर भी अप्लाई कर रहे हो प्रॉपर उस कंपनी के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो बनाओ, सॉरी कंपनी के अकॉर्डिंग अपना रिज्यूम बनाओ, कवर लेटर ऑलरेडी बनाना ही बनाना पड़ेगा, और पोर्टफोलियो सबमिट करो, ठीक है, सामने वाला देखेगा 100% अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो में दम है तो रिप्लाई आएगा, और रिप्लाई आया तो पोर्टफोलियो फिर भी जाओ और प्रिंट करके जाओ पोर्टफोलियो को, जस्ट दिखा दो भाई ये मेरा काम है और ये मेरा रिज्यूम है, मतलब मेरा डाटा है, अगर पसंद आता है समझे तो तुम परफेक्ट कर लेगा तुमको, समझ गए। 20 नवरात्रि के अंदर लैपटॉप लेके आ रहा हूँ। हाँ, नवरात्रि के अंदर लैपटॉप लेके आओ, उसके बाद क्या बोलते हैं, अभी तो बिग बिलियन डे आ रहा है, ऑफर चल रहा है, आने वाला है, ठीक है, तो ऑनलाइन लैपटॉप पे, ये ऑनलाइन चलता है ना बिग बिलियन डे, नहीं पता क्या, 23 तारीख को ऑफर आ रहा है, 23 तारीख से 30 तारीख के आसपास। हाँ ऑनलाइन ऑफर्स हैं, तो ऑफर में क्या होता है थोड़ा सा सस्ते में मिल जाता है लैपटॉप, ठीक है, तो अच्छी चीज़ है ना कि ऑफर का हमें यूज करना चाहिए ना, तो हमें बता देना, हम बता देंगे कौन सा लैपटॉप लो, ठीक है, आराम से उसको दो लो, और उसके बाद पोर्टफोलियो बनाओ, और उसके बाद अपना रिज्यूम को परफेक्ट करके, और अगर तुमने एज अ फ्रेशर और डिप्लोमा होके अगर तुमने ऑटोकैड रैपिड आर्किटेक्चर विद स्ट्रक्चर रैपिड और टेक्ला पे काम कर रहे हो, 25,000 तुम्हारी आज के डेट में सैलरी होनी चाहिए, बाकी काम करते करते तो 30-35 तक पहुँच जाओगे, और 2025 तक शायद जब तुम डिग्री कम्प्लीट करोगे तुम 40-50 के आसपास खेलोगे, और देखने का तरीका बस यही है कि तुम कितना अच्छा काम को दिखाते हो, है ना, तो इसलिए ऐसा तुमको करोगे तो तुम्हारा पक्का है तुम्हारा करियर अच्छा होगा, तुम ऑलरेडी बहुत हार्डवर्किंग स्टूडेंट हो मुझे पता है, ठीक है, तो बस तुम्हारे के साथ जरूरत क्या है, जरूरत है कि जो भी किया हुआ है उसको एक ढांचे में लेके आके दिखाना लोगों को, ना, ठीक है, मैं तुमको कुछ पोर्टफोलियो भेज दूंगा, ठीक है, और उसके साथ साथ तो तुम रिज्यूम तुम्हारा सही है ही, पोर्टफोलियो उस लेवल का बनाओ, और अपना क्या बोलते हैं अगर तुम्हें रेफरेंस चाहिए मैं रेफरेंस बता दूंगा भाई कहाँ कहाँ ओपनिंग चल रही है, अप्लाई तुमको करना है, टेलीफोनिक तुमको वेट करना है ना, मैं भी भेज दूंगा आपको, मैंने जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है वो एक बार भेज दे, चलेगा, अगर आपको उधर मार्क रहेगा तो हम बोल देंगे उसी को डन कर लेना, ठीक है, ओके, और कोई डाउट है, कुछ नहीं है सर, ओके, चलो इसी बहाने तुम्हें करियर काउंसलिंग चाहिए थी और इसी बहाने हमारी तुमसे बात भी हो गई बहुत दिन बाद, ठीक है, और मैं भी सोचा था कि आशीष से बात किए बहुत दिन हो गया, चलो इसी बहाने हमारी वार्तालाप भी हो गया। स्ट्रक्चर के लिए मैं कब से ज्वाइन करूंगी, स्ट्रक्चर के लिए कम से कम तुम कोशिश करो कि 2025 जब स्टार्ट हो जाए, क्योंकि डिग्री पे के बिना कोई भी स्ट्रक्चर पे एंट्री नहीं देगा, ये फिक्स है, मिनिमम डिग्री चाहिए, ठीक है, तो अभी क्या कि तब तक हम ऑटोकैड पे काम करते रहे ये भी समझदारी नहीं है ना, ठीक है, तो हम टेक्ला स्ट्रक्चर्स पे काम करेंगे, वो भी तो स्ट्रक्चर का ही सॉफ्टवेयर है ना, 3D डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है, यस सर, ठीक है, तो हम टेक्ला स्ट्रक्चर्स पे काम करते रहे, रेवि स्ट्रक्चर्स पे काम करते रहे, हम करते रहे स्ट्रक्चर का काम ना, ठीक है, यहाँ पर फायदा क्या हो रहा है कि 2025 तक तुम्हारी सैलरी जो है वो अप टू द मार्क आ जाएगी, और फिर जब तुम डिग्री निकली करो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, है ना। और सर रिज्यूम में अपडेट करूँ, रिज्यूम में तुम्हारे अपडेट करने की जरूरत नहीं है, अपडेट बस इतना करो उसमें कि तुम्हारा मतलब कि भी जो करंट में काम तुम सीख रहे हो उसको तुम थोड़ा सा अपडेट कर दो कि मैं रैबिट सीखा हूँ तो रैबिट में मेरे को क्या आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, मैं तुम्हारा सीवी देख ले रहा हूँ, ठीक है,
बाकी तुम्हारा सीवी में जो ऊपर लिखे हो, यहाँ पर लिखे हो ना ऊपर सीवी, पहले तो उसको इरेज कर दो ठीक है, क्योंकि सीवी मतलब कि ऑलरेडी मुझे पता है सीवी ही है, तुमने अपने नाम के आगे लिखा हुआ ना ऊपर सीवी, उसको डिलीट कर दो ठीक है। और तुम्हारे सीवी में कोई चेंजिंग नहीं है, डिप्लोमा तुमने दिखाया हुआ है अपना, 70% तुम्हारा डिप्लोमा में है ठीक है, स्नैपशॉट भी तुमने दे रखा है, तुमने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर, तुम्हारी सीवी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारी सीवी में। पर्सनल डिटेल को नीचे वाले पेज में रखो, पर्सनल डिटेल का आधा पॉइंट ऊपर रखे हो और आधा पॉइंट नीचे रखे हो, इसको जस्ट नीचे कर दूंगा सर। हाँ जस्ट नीचे कर दो उसमें, उसमें फादर्स नेम मेंशन कर दो, फादर्स नेम मेंशन नहीं है तुम्हारे रिज्यूमे में ठीक है, तो बस इतना सा कर दो, बाकी सब परफेक्ट है, तुम्हारा रिज्यूमे एकदम परफेक्ट है। हॉबीज तुम्हारी बहुत ढेर सारी है, तो हॉबीज तुम्हारी ट्रेवलिंग भी है, डांसिंग भी है, कौन सा डांस मूव जानते हो? राजस्थानी सर। राजस्थानी। और कुकिंग भी तुम्हारे, रीडिंग बुक्स भी, तो लास्ट टाइम कौन सी बुक तुमने पढ़ी थी? कविता थी सर, कविता पढ़ी, कौन सी कविता पढ़ी थी? बता नहीं सकता तब ये तुम्हारी हॉबी कैसे हो सकती है? अगर तुमको ये नहीं पता है कि हमने लास्ट टाइम कौन सी कविता पढ़ी थी, दैट मीन दिस इज नॉट योर हॉबी राइट। तो अगर नहीं है तो रिमूव कर दो, दो हॉबी बहुत है ठीक है, जो पता है वो परफेक्टली पता होना चाहिए, तभी वो हॉबी मानी जाती है। गॉट इट? चलो ठीक है, ओके आशीष, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तुम मुझे पोर्टफोलियो शेयर करो, मैं तुमको कुछ ओपनिंग्स भी बता दूंगा कहाँ कहाँ चल रही है ठीक है, नाउ यू कैन गो फॉर एंड अप्लाई करो ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि डेवी स्ट्रक्चर और टेक्ला स्ट्रक्चर पर अपनी जॉब को शिफ्ट कर लो, अदरवाइज ऑटो कैट पर इतनी ही सैलरी पाओगे, बहुत पाओगे, 20 तक चले जाओगे, ज़्यादा नहीं होगा कुछ ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके।